नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं Naukri.com या LinkedIn इसके बारे में आपके लिए वीडियो शेयर कर चुका हूँ। जिस ट्यूटोरियल वीडियो में मैंने आपको बताया कि Naukri.com या LinkedIn से कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे और इस एप्लीकेशन या वेबसाइट को कैसे यूज कर पाओगे, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक जॉब रिलेटेड वेबसाइट अपना जॉब्स के बारे में। तो अपना जॉब्स में कैसे आप अपना प्रोफाइल बना पाओगे और यहां से कैसे अपने जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे, उसका सारा डिटेल्स एक ट्यूटोरियल वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तुभ, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, LinkedIn या Naukri.com या और भी बहुत सारे जॉब वेबसाइट की तरह अपना जॉब का जॉब पोर्टल में भी आप अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करके यहां से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपना जॉब एप्लीकेशन को कैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाओगे, यहां पे लॉगिन करके कैसे अपना प्रोफाइल बना पाओगे, प्रोफाइल बनाने के लिए कौन कौन सा डिटेल स्टेप आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और अपना प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ से जॉब सर्च करने का सारा प्रोसीड्योर क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल कैसे आप अपडेट कर पाओगे और जॉब सर्च का सारा ऑप्शन डिटेल्स में आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन होते ही हम लोग सर्च कर लेंगे अपना। तो आप देख सकते हो अपना एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो रहा है अपना जॉब सर्च अलर्ट इंडिया, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, या मैं सीधे चला जाऊंगा मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। आप देख सकते हो अपना जॉब एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको करना है एप्लीकेशन में लॉगिन। तो यहाँ पे आप दे दोगे अपना मोबाइल नंबर और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जॉब यहाँ पे ऑफर कर रहा है 10 लाख प्लस जॉब ओपनिंग फ्रॉम बेस्ट कंपनीज। फिर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा एक ओटीपी, यहाँ पे आप डाल दोगे अपना ओटीपी। और फिर आप देख सकते हो ये इसका सारा फीचर्स, जैसे गेट ए डायरेक्ट कॉल फ्रॉम टॉप एचआर, अपडेटेड प्रोफाइल, गेट 2x जॉब ऑफर्स, अनलॉक जॉब्स फ्रॉम टॉप कंपनीज, स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, गेट योर ड्रीम जॉब फास्टर। तो नीचे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है या क्रिएट लेना है, जो क्रिएट करने में आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तभी नीचे अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करना है, अबाउट मी, एडुकेशन, एक्सपीरियंस और लास्ट स्टेप। तो अबाउट मी पे आप दे दोगे अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चूज कर लोगे, और फिर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोकेशन देना है, आप अपना करेंट लोकेशन भी दे सकते हो अपने करेंट लोकेशन के सराउंड जॉब सर्च करने के लिए, या सर्च मैनुअली करके पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन अराउंड आप जॉब सर्च कर पाओगे। और अपना लोकेशन देने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अबाउट मी सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। आप आ जाओगे एडुकेशन सेक्शन पे, यहाँ पे आप दे दोगे अपना हाईएस्ट एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका स्पेशलाइजेशन, कॉलेज नेम, कब आपने अपना हाईएस्ट एडुकेशन कंप्लीट किया, उसका मंथ और ईयर, और फिर से नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका एडुकेशन स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। आप चले आओगे थर्ड स्टेप एक्सपीरियंस पे, यहाँ पे आप दे दोगे अपना जॉब एक्सपीरियंस कितने साल और महीने का, और फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप दे दोगे अपना करेंट या लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जैसे जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कैटेगरी या रोल, कंपनी नेम, इंडस्ट्री, और फिर आपको यहाँ पे अपना स्किल सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे अपना 10 स्किल चूज कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे आप जो भी कंपनी डिटेल्स दिए हो उसमें आप करेंटली काम कर रहे हो कि नहीं, कब से आप काम कर रहे हो, उसका मंथ और ईयर, अपना करेंट मंथली सैलरी और आपका नोटिस पीरियड कितना दिन का है, और फिर से आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक्सपीरियंस सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप चले आओगे लास्ट स्टेप पे, यहाँ पे आप चूज कर लोगे अपना इंग्लिश फ्लुएंसी, और इंग्लिश के सिवा भी आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो नीचे से वो आप सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप यहां से चूज कर लोगे अपना प्रेफर्ड वर्क टाइप, जैसे प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम या पार्ट टाइम, प्रेफर्ड वर्क प्लेस, फील्ड जॉब, वर्क फ्रॉम हॉबीज या वर्क फ्रॉम होम, और प्रेफर्ड शिफ्ट, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट। और फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहां पे चूज करना है अपना जॉब सिटी। तो यहां पे आप मैक्सिमम 3 लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहां पे अपलोड करना है अपना सीवी या रिज्यूमे, जिससे आप रिसीव कर सकते हो 2x जॉब ऑफर आफ्टर अपलोडिंग। तो यहां पे आपका सीवी या रिज्यूमे का फॉर्मेट पीडीएफ या डॉक्स फाइल होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB तक होना चाहिए। तो नीचे अपलोड रिज्यूमे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना सीवी या रिज्यूमे के फाइल अपलोड कर दोगे और नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। अभी आपको नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आप आ जाओगे अपना जॉब्स एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे। यहाँ पे नीचे आप देखोगे आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन, जॉब्स, एप्लीकेशन, कम्युनिटी और प्रोफाइल। अभी जॉब ऑप्शन के इंटरफेस पे दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन, नोटिफिकेशन, चैट और हेल्प का। तो नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जाके एप्लीकेशन रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको
मिल जाते हैं। चैट ऑप्शन पे जाके आपके फोन पे जो कॉन्टेक्ट है जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे चैट का ऑप्शन जिसके साथ आप डायरेक्ट चैट कर पाओगे। फिर हेल्प ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन रिलेटेड बहुत सारे FAQs का ऑप्शन, और ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सर्च बार जहाँ पे जॉब टाइटल का नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन ये सब लिख के आप कोई भी जॉब पोस्ट सर्च कर पाओगे। नीचे आपको मिल जाएगा दो ऑप्शन, जॉब्स फॉर यू और योर सर्चेस का ऑप्शन। जॉब्स फॉर यू पे नीचे आपको मिल जाएगा अपना लोकेशन, यहाँ से आप अपना जॉब लोकेशन चेंज भी कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा बहुत सारे फिल्टर का ऑप्शन। नीचे आपको मिल जाएगा जो भी आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जॉब पोस्ट हुआ है वो सारे जॉब का लिस्ट, यहाँ पे स्क्रॉल करके सारे लिस्टेड जॉब आप सर्च कर पाओगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सप्लोर जॉब बाय डिपार्टमेंट का ऑप्शन, फीचर जॉब का सारा ऑप्शन, इंटरनेशनल जॉब भी यहाँ पे आप ढूंढ पाओगे, और आपको मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन। और यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करके सारे लिस्टेड जॉब को आप डेट पोस्टेड, ऑल लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 3 डेज या लास्ट 7 डेज, डिस्टेंस, ऑल विद इन 5, 10, 20 या 50 किमी, सैलरी रेंज, वर्क मोड, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस या फील्ड जॉब, वर्क टाइप पार्ट टाइम या फुल टाइम, वर्क शिफ्ट, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, डिपार्टमेंट वाइज भी सर्च कर पाओगे या फिल्टर कर पाओगे। एक्सपीरियंस का फिल्टर भी यहाँ पे आप सेट कर पाओगे, और शॉर्ट बाय रेलिवेंट, सैलरी हाई टू लो, डिस्टेंस नियर टू फार, और पोस्टेड लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, ये वाइज भी आप सारे लिस्टेड जॉब को फिल्टर कर पाओगे। और यहाँ से कोई भी पोस्टेड जॉब को आप क्लिक करके ओपन कर लोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, जॉब मोड क्या है, क्या सैलरी ऑफर कर रहा है, सैलरी और इंसेंटिव का सारा डिटेल्स, जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और नीचे आपको मिल जाएगा जॉब डिटेल्स, इंटरव्यू डिटेल्स और अबाउट द कंपनी। जो आप स्क्रॉल करके जॉब डिटेल्स में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल, जॉब रिक्वायरमेंट, इंटरव्यू डिटेल्स, अबाउट द कंपनी, आप यहाँ पे सारे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाओगे। और दाहिने तरफ ऊपर 3 डॉट बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा टॉकिंग टू HR का ऑप्शन और इसके सारे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके इस लिस्टेड जॉब को आप किसी के साथ व्हाट्सएप में शेयर भी कर पाओगे। और अगर आपको जॉब को डायरेक्ट अप्लाई करना है तो नीचे आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन। अभी जॉब फॉर यू ऑप्शन के बाद योर सर्चेस ऑप्शन पे जाके जो भी जॉब रिलेटेड सर्च आप करते हो आपके सारे सर्च हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा कुछ पॉपुलर सर्च का भी ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आप लोकेशन वाइज और जॉब टाइटल वाइज जॉब सर्च कर पाओगे। यहाँ पर भी नीचे आपको मिल जाएगा कुछ पॉपुलर और ट्रेंडिंग जॉब सर्चेस का कीवर्ड। अभी जॉब सेगमेंट के बाद एप्लीकेशन सेगमेंट में जाओगे तो जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर चुके हो अप्लाइड जॉब में उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा, और जो भी अप्लाइड जॉब में इंटरव्यू इन्वाइट्स आपको मिला है इंटरव्यू इन्वाइट्स में उसका भी सारा डिटेल्स आप कर पाओगे। तो इंटरव्यू इन्वाइट्स का सारा प्रोसीड्योर आप यहाँ से चेक कर पाओगे कैसे ये काम करता है। कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड टू गेट इन्वाइट्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इंटरव्यू इन्वाइट और कनेक्ट विद द HR। अभी एप्लीकेशन ऑप्शन के बाद कम्युनिटी ऑप्शन पे जाके जॉब रिलेटेड जो भी पोस्ट होता है, जो भी ग्रुप या कम्युनिटी में पोस्ट यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे उसके सारे पोस्ट डिटेल्स में आप चेक कर पाओगे। ऊपर एक्सप्लोर ऑप्शन पे क्लिक करके सारे ग्रुप या कम्युनिटी आप चेक करके यहाँ से ज्वाइन कर पाओगे। नीचे आपको मिल जाएगा बहुत सारे ट्रेंडिंग कम्युनिटी का भी ऑप्शन, और कम्युनिटी में जो भी पोस्ट होता है यहाँ पे आपको उसके सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। और दाहिने तरफ नीचे प्लस बटन पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल से कोई भी फोटो, वीडियो या पोल या जॉब रिलेटेड कोई भी पोस्ट शेयर कर पाओगे। कम्युनिटी ऑप्शन के बाद लास्ट ऑप्शन प्रोफाइल ऑप्शन पे जाके आपको मिल जाएगा अपना खुद का प्रोफाइल, जैसे आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम, इस वेबसाइट में आपके प्रोफाइल का लिंक, आपका करेंट कंपनी और डेजिग्नेशन, आपका लोकेशन, शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन, नीचे आपके ज्वाइन किए गए सारे कम्युनिटी कनेक्शन और प्रोफाइल व्यूज का ऑप्शन। उसके बाद अबाउट मी सेक्शन पे आपका सारा जॉब प्रोफाइल आ जाएगा, और पोस्ट सेक्शन पे जो भी आप पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो या रिएक्शन देते हो उसका सारा डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दाहिने तरफ ऊपर नोटिफिकेशन और चैट ऑप्शन के साथ साथ आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके आप ऐप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर पाओगे। ब्लॉक्ड कनेक्शन भी आपको सारा मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको मिल जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप का करेंट वर्जन, और लास्ट पे अपना जॉब एप्लीकेशन से साइन आउट के लिए लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जब भी आप लॉग आउट करने जाओगे आप नीचे लॉग आउट ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन से लॉग आउट कर सकते हो, या अगर आप अपना प्रोफाइल डिलीट करना चाहते हो तो दाहिने तरफ ऊपर आपको मिल जाएगा डिलीट प्रोफाइल का भी ऑप्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा अपना जॉब एप्लीकेशन को कैसे आप यूज कर पाओगे, यहाँ पे अपने लिए एक प्रोफेशनल कैसे आप प्रोफाइल बना पाओगे, और यहाँ से जॉब के लिए कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, इसका सारा प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में आज की इस वीडियो में एक ट्यूटोरियल की तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अपना जॉब्स का जॉब पोर्टल का ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।